डिसाइड किया था कि जो हारेगा उसको हम देंगे सजा, और वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मैं जीत गया था। मैं भी तो जीतूंगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी सजा इसको क्या देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पहले वो ये सजा भुगतेगा, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में हमें एक बड़ा मजे का कमेंट आया है कि भाई मुर्गा बनना है जो हारेगा। तो ये भाई सब हार चुके हैं, मुर्गा बने भाई। ओ भाई सही वाला मुर्गा बने, कोई सीन नहीं है। चले जल्दी ना, ना, हाँ, ना। ऐसे बनते हैं भाई सही वाला मुर्गा। मैं तो ऐसे बनता ना। दो ऑप्शन मिली, दो ऑप्शन में से आई गेस मैंने इसको मुर्गा बनने वाली कहा है। और आप करें बनने वाली, करो ना करो, टाइम ना वेस्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। भाई किधर जा रहे हैं आप? इधर आए। ओ भाई इधर आए। अच्छा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम आपके साथ हैं एक और मजे के चैलेंज के साथ। चल झूठा। तो YouTube फैम, आज हम एक और मजे का सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? और ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा। बेसिकली हम करते हैं चैलेंजेस, तो हमने सोचा क्यों ना फैमिली हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर लें और देखें हमें उससे क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल। इसने कुछ नहीं बोलना, मुझे पता है। जब तक मैं बोलता रहूंगा इसने कुछ नहीं बोलना, ये ऐसे मुंह बंद करके खड़ा रहेगा। तो भाई आज हम कुछ लोगों से क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या जवाब देते हैं, उनके क्या रिव्यूज हैं। ठीक है ना? ये आज का हमारा चैलेंज होगा और हम देखते हैं इस चैलेंज से हमें क्या आता है। वो ये वीडियो बहुत ज्यादा फनी और मजे वाली होने वाली है। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, वीडियो लाजमी देखनी है। यार सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, बताया करो हम इस तरह की वीडियोस बनाए। हम करने वाले हैं अपना ये चैलेंज स्टार्ट। अच्छा, हम करने लगे हैं स्टार्ट। ठीक है ना? तो गजब बेइज्जती है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, और आप? फिजा दानिश। तो हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं जी। कि आपने हमें बताना है कि लव मैरिज अच्छी रहती है या अरेंज मैरिज? सही बताना कि गलत? सही बताना, ताकि आगे लोगों को पता चले कि यार लव बेहतर रहती है कि अरेंज बेहतर रहती है। वैसे मेरी तो रेंज हुई है, तो अच्छा। मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर है मेरी, मतलब कि रिलेटिव में ही है, इसलिए मुझे तो लगता है कि रेंज ज़्यादा बेटर है। माँ बाप भी खुश रहते हैं, बीवी भी खुश रहती है, बंदा फिर उन दोनों को देख के खुश ही रहे। नहीं, वो भाभी साथ है, आप इस डर से तो नहीं कह रहे कि रेंज बेहतर रहती है? ये रेंज है, उसके बाद तुम्हारा लव हुआ था। टोटली रेंज नहीं है। अच्छा, टोटली रेंज नहीं है हमारी। पहले लव था, फिर लव को अरेंज में अरेंज को लव में मर गया। मैंने कहा शायद आप साथ हैं इस वजह से डरते नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कुछ कहते हैं ना कि लव बेहतर रहती है। मेरे तीन चार फ्रेंड्स वो तो फिर यही कहते हैं। मेरे तीन चार फ्रेंड्स ने भी किया, उनकी तो बेहतर ही रही। लव मैरिज क्यों नहीं सही रहती? लव मैरिज बेसिकली ना, मैं ये नहीं कहता कि सही नहीं रहती। मेरे साथ जो है ना, बात ये है कि मैंने भी इसको भी बताया हुआ है कि मुझे कोई ऐसी मिली नहीं जिससे शादी कर सकूं। मिली नहीं आपके? अच्छा, जो थी वो इनकी वो जो होती है या जो ऐसी है? ऐसी है। नहीं नहीं, जो थी वो मेरा भी दिला सकते। नहीं, जो थी वो मेरा ख्याल है धोखा दे गई है इनको। इन्होंने दिया होगा? नहीं, लड़के बेवफा नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बात यहाँ पे मैं एग्री करूंगा आपसे। देखिए, दोनों के पॉइंट एक जैसे हैं। अच्छा, फिर लव मैरिज क्यों नहीं बेहतर? कि बेहतर है, लेकिन मेरे साथ निभाने वाली कोई नहीं, मुझे मिली ना, ये बता रहा हूँ। देखा ना, मैंने कहा ना वो इन्हें छोड़ गई। नहीं, मैं तो लव मैरिज के साथ हूँ। लव मैरिज वालों को भी साथ हूँ। अगर वो निभाने वाले होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं।
लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने उसके ऊपर रिव्यू देना है जो आपका अपना ओपिनियन है। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है कि अरेंज मैरिज सही रहती है या लव मैरिज सही रहती है? अरेंज मैरिज ठीक रहती है। अच्छा, इनका कहना जी अरेंज मैरिज, आप बता सकती हैं कि अरेंज मैरिज क्यों सही रहती है? क्योंकि जहाँ पर कहते हैं ना कि मतलब कि जो माँ बाप यहाँ पे शादी करते हैं ना, वहाँ पे करनी चाहिए, वहाँ पर एक घर बसते हैं बेटियों के, और जहाँ पर लड़कियाँ अपनी खुद मर्जी करती है ना, कितने वस दिया इन्हें कहने, जो माँ बाप कहते थे वही करना चाहिए। फिर आगे अगले बंदे को ना स्टोरीज देती है कि तुम लोग ना ये प्यार प्यार चक्रों में ना पड़ा करो, ये शादियाँ वादियाँ ये सब फेक होता है। तो मैं भी कहती हूँ बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़े कि बिल्कुल फेक होता है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अरेंज मैरिज होनी। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि लव मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़के ना किसी के नहीं होते, ठीक है? और रुको जरा, सबर करो। अच्छा, मतलब आपके लव मैरिज इसीलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़के धोखा देते हैं? लेकिन मैंने लव मैरिज कर। अच्छा, इन्होंने अच्छा आपने लव मैरिज कर ली मन चले जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है आप? अच्छा, हम ना आप एक वीडियो बना रहे हैं आज जी सर, हम इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं पब्लिक से कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका सबका यही पर्सपेक्टिव है कि जो है लव मैरिज ही करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आजकल का जो माहौल है, एक तो वो बात है कि अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है, और दूसरी बात है ओल्ड फैशन जो लोग जो कहते हैं अरेंज मैरिज करनी चाहिए, बाद में अगर आपको कोई मसला आता है तो फिर जाहिर सी बात है। तो मैं तो इस हक में हूँ कि लव मैरिज ही करनी चाहिए, मैं खुद भी इंशाल्लाह लव मैरिज करनी चाहिए। कोई आपने पसंद की है? पसंद की हुई है यूनिवर्सिटी में ही है। यूनिवर्सिटी में एक है या दो है? एक ही है, एक ही की है। मैरिज करनी है ना, इसलिए एक ही है। चले जी, हमारी आपको दुआ है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते तीन चार भी रख लें जो उनमें से अच्छी लगे। नहीं, आजकल तो वैसे ही है, यही चाह रहा है कि जहाँ पढ़े हैं कोई एक उधर है एक उधर है। नहीं नहीं ऐसे यार, अगर ऐसे है तो फिर तो वो लव मैरिज नहीं होगी। अगर लव मैरिज करनी है तो फिर एक से ही करनी पड़ेगी। ये है कि जिससे आप प्यार करते हैं, फिर आपने स्टार्ट किया तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ एंड तक निभाए, और आपकी जो आप जैसे हमें बता रहे हैं कि अल्लाह पाक आप कामयाब करे, ठीक है, आपकी लाइफ पार्टनर वही रहे हमेशा, जब तक आपके बाल वाइट नहीं हो जाते, आप दोनों साथ ही बूढ़े हो बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके इस एक्सपीरियंस के लिए। हम क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से, ठीक है ना, और क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि आपने अपना रिव्यू देना है, अरेंज मैरिज सही रहती है या लव मैरिज सही रहती है, आपका क्या रिव्यू, आप क्या ऑडियंस को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? यार मुझे तो लव हुआ है दो तीन के साथ। अच्छा, तो अरेंज बेहतर रहती है, घर वालों की मर्जी से जो होती है वो सही रहती है। अरेंज होनी चाहिए, खाली बच्चियाँ पैसे मांगती है सिर्फ और खर्चा करवाती हैं नहीं कुछ है। तो अच्छा, आप अगर आपने कहा कि अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है, राइट? अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है और मोहब्बत जो है पैसे से करनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। और आप ये क्यों कहते हैं कि लव मैरिज क्यों नहीं होनी चाहिए, जरा इसका भी थोड़ा सा इसके ऊपर। लव मैरिज में सिर्फ फ्रॉड है, फीलिंग्स वगैरह कोई नहीं होती, एंड में ये लड़की कहती है मैं जा रही हूँ, घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, तो आप कहते हैं मतलब अरेंज मैरिज इज द बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन। चलें जी, इनका रिव्यू हमारे पास आ गया है, और थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खबर सईद। खबर सईद। अच्छा खबर भाई, हम आज हम आपसे पूछने लगे हैं कि आपने हमें ये बताना है कि लव मैरिज सही रहती है क्या अरेंज मैरिज? भाई लव मैरिज सही रहती है क्योंकि उसमें एक लड़की लड़के को प्यार करती है तो उसमें वो ठीक है। शाबाश बेटा, प्यार अगर घर वाले मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर अरेंज ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज हम एक पब्लिक टेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं पब्लिक से। क्वेश्चन ये है आज का कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर रहती है या लव मैरिज? अरेंज या लव? लेकिन अगर बात की जाए लव तो लव कुछ लोग होते हैं वो जो बहुत टाइम तक लेके साथ चलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये देखा है कि लव में दो दिन बाद यहाँ हफ्ता जब शोकपुर आया तो टूट गई। आप जैसे उनकी इंडस्ट्रीज देख लें, शोबिस इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी कैसे कितने देर करते हैं, साल होता है, दो साल होते हैं लव मैरिज जो टूट जाती है। तो आई थिंक अरेंज मैरिज बेस्ट रहती है। तो आपके ख्याल में अरेंज मैरिज बेस्ट रहती है? हाँ, लेकिन लव मैरिज अगर चल जाए तो फिर सही। अच्छा, आपने कहा अरेंज मैरिज सही रहती है, आपके ख्याल में अरेंज मैरिज क्यों सही रहती है, क्यों बेहतर रहती है? देखिए, वो अगर हम लव मैरिज करते हैं ना तो वो मतलब वो सिर्फ लड़के और लड़की की रजामंदी होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें बीच में फैमिलीज के भी काफी इश्यूज होते हैं। अगर अरेंज मैरिज है तो वो बोले कि फैमिलीज इश्यूज फैमिलीज को सारा करते हैं, फैमिली डिसाइड करती है, इससे फिर आई थिंक वो सही रहती है। लेकिन लव मैरिज भी करनी चाहिए, ये नहीं कहूँगी कि लव मैरिज ना करें, अगर अच्छा लड़का मिल गया तो लव मैरिज करो।
अच्छा आप मतलब आपके आप मतलब कहती 50-50 है? 50-50 अगर लड़का सही मिल गया तो लव मैरिज भी कर लो, लेकिन जिसमें आपको ट्रस्ट है कि पूरी उम्र साथ जिंदगी में रहेगा। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, वेलकम। ठीक है, कैसे दिया था आपकी? अच्छा तो हम एक क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आपने उसके बारे में हमें रिव्यू देना है, शादी अरेंज करनी चाहिए कि लव मैरिज करनी चाहिए? बहुत सच्ची हो, लव जो है वो दिल से हो, सच्चा हो, कोई लालच ना हो, तो फिर लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है। लव मैरिज ज़्यादा क्योंकि वो पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो एक दूसरे का, हम तो हमारा तो एक ही जन्म है, तो इंडिया वाले कहते हैं कि 7 जन्मों तक, तो हमारा तो यही एक ही लाइफ है, तो एक ही दफ़ा जिसके साथ चलना बहुत अच्छा, जिसके साथ चलना है उसके साथ ज़िंदगी भर चलते रहो यार, और अगर ना हो तो फिर रास्ते में छोड़ के क्या फ़ायदा। ठीक है, इन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप लव करें या अरेंज करें, पर अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार करना चाहिए और एक दूसरे का साथ हमेशा एंड तक देना चाहिए। मैसेज मेरा यही रहेगा कि लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर आपके रिव्यू का। हमारे फुल वाइट चॉल, अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज मी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? खैर, मैं ठीक ठाक। अच्छा, हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं ऑडियंस से। जी जी। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज कौन सी बेहतर है? वैसे मेरी तरफ से तो देखा जाए तो मेरी तो अरेंज हुई थी। ठीक है। ठीक है, लव तो था नहीं कोई। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में जो है वो अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, आपके ख्याल में अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर होती है? आप बता सकते हैं अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक तो आपके माँ बाप की मर्ज़ी होती है, माँ बाप की रज़ा होती है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो आने वाला होता है, जो माँ बाप की रज़ा से आएगा, वो अपना अच्छा नसीब लेकर आता है। ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, तो ये मतलब जो है मेरी नज़र में अरेंज मैरिज बेहतर है। चलें जी, इनका कहना था जी अरेंज मैरिज बेहतर है, और आप बता सकते हैं कि लव मैरिज करवानी चाहिए या नहीं बेहतर, इसके बारे में आप थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं? देखिए, अगर आपको कोई पसंद आया है ठीक, तो है, आपके पसंद आने में कोई मतलब मनामत नहीं है। ठीक है, अगर आप उस लव को अरेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो भाई आज हमें बड़ा मज़ा आया, आज हमने एक बड़ा मज़े का चैलेंज किया, तो हमने ये डिसाइड किया था कि क्यों ना सोशल पे भी एक हम एक्सपेरिमेंट करें। हमने लोगों से सवाल पूछे, ठीक है, एक ही सवाल था बेसिकली, उन्होंने अपने अपने जवाब दिए। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई ये आज का हमारा चैलेंज था, इसी तरह हम आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इसके भी मज़े मज़े के और चैलेंजेस वाली वीडियो बनाते रहेंगे। ये तो एक जस्ट हमारा एक ऐसा चैलेंज था। को लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उतना। बोल लिया, मैं कंटिन्यू कर लूं? नहीं, तू चुप रह। तो भाई हमारा ये आज का चैलेंज बड़ा मजे का था, अब हम इस चैलेंज को करते हैं एंड। ठीक है ना, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बूम।